भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज भारत में पूरी तरह से तैयार स्वदेशी यूएवी दृष्टि 10 स्टार लाइनर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है और ये शामिल कर दिया गया है औपचारिक रूप से। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसे अडानी डिफेंस ने तैयार किया है। एडवांस एरियल सिस्टम के क्षेत्र में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं औपचारिक रूप से इसको आखिरकार शामिल किया गया है, स्वदेशी यूएवी दृष्टि 10 स्टार लाइनर को। बताएं इसकी खूबियां और कितना नौसेना के लिए अहम दिन है, कितनी ताकत उसकी और बढ़ जाएगी समुद्री तटों की निगरानी के लिए भी। इंडियन नेवी और अदानी एरोस्पेस के लिए बहुत बड़ा दिन है और उससे बड़ा दिन है भारत के लिए, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम है। क्योंकि जो अनमांड एरियल व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, जो आज अनवेल हुआ है, वो दृष्टि 10 है, जिसको स्टार लाइनर कहा गया है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉग्नाइजेंस ISR जिसको कहा जाता है, उसका प्लेटफॉर्म है। और उसको मेल UAV कहा जाता है, मेल कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस। इसमें 36 घंटे ये चल सकता है और 450 किलोग्राम का इसका पेलोड है। जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, वो जो बाकी जो अदानी एरोस्पेस का जो पार्क है, वहां पे जो एक शो बनाया गया है, जहां पर जो भी कैपेबिलिटी है उसको यहां पे शोकेस किया गया है इस अनवेलिंग के अलावा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आज बनाई गई है और इंडियन नेवी को जो समर्पित की गई है, इसको अब शिफ्ट किया जाएगा, आज ही के दिन गुजरात की ओर पोरबंदर ले जाया जाएगा, जो महात्मा गांधी का जन्म स्थल भी है, और वहां पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि एक तरह से जो जो सीज का जो ओवरसी करते हुए जो सर्वेलेंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेंस होना चाहिए, उसको करने की एक बहुत बड़ी कोशिश। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और अदानी एरोस्पेस का जो ये प्रोजेक्ट है और जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी आत्मनिर्भर भारत की ओर ही एक मूवमेंट है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आज जो अनवेल किया गया है, उसको हर तरह के वेदर में इसको चलाया जा सकता है, और इसको नेटो का जो एक स्टैनाग 4671 उसको एक सर्टिफिकेशन कहा जाता है, जो यूएवी का जो एयरवर्थीनेस है उसको चलाते हुए, उसको वो भी इस यूएवी को प्राप्त है। जो आप अभी देख रहे हैं, ये सब स्मॉल आर्म्स हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में, यानी कि अदानी एरोस्पेस के तहत ये बनाए गए हैं। अदानी डिफेंस के का जो फैसिलिटी है, वॉम पे बनाया गया है, और इन सब को भी इंडियन जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन नेवी है, उसको दिया गया है। और आज का जो यूएवी है, उसका सिग्निफिकेंस हम हाल ही के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखते हुए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अरेबियन सी और जो गल्फ ऑफ एडन में जो अटैक्स हो रहे हैं, पायरेसी के हो सकते हैं या फिर ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस तरह का इंटेलिजेंस चाहिए, जिस तरह का सर्वेलेंस चाहिए, उसमें ये यूएवी बहुत मदद करेगी। बैक टू यू जी। यहाँ पर उमा, ये बताएं कि इसको बनाने में कितना वक्त लगा, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रहे हैं यहाँ पर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर को कितना वक्त लगा, और अभी शुरुआती दौर में कितनी इनकी संख्या रहेगी जो नेवी में शामिल की जाएगी? पहला जो बर्ड है, आज ही के दिन भिजवाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि ये 70% तक इंडिजिनस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। और अदानी एरोस्पेस ने ये कमिटमेंट दी थी कि इंडियन नेवी को, कि हम इसको डिलीवर करेंगे। ये जो टाइमलाइंस दी गई थी डिलीवरी के, उनके मुताबिक ही हैं। और अभी अभी कुछ ही देर पहले जो मेरा बात कर रहे थे वहाँ पे नेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत एक शानदार एक रिकॉर्ड है कि विद इन जो टाइम स्पैन बताया गया था, उसके तहत ये डिलीवरी हुई है, और इमीडिएटली एक दो महीने के अंदर ही इसकी फुल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी।